हेलो गाइस, सबसे बड़ी आज की जो प्रॉब्लम है किसी यूथ की, तो वो ये है कि उसे पता ही नहीं है कि उसे कहाँ जा रहा है। इट मीन्स हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारा एम है, क्या गोल है, हमें गोल ही नहीं पता है। सपोज़ अगर हमें पता है कि हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है, तो हम रास्ते बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फिर तो गूगल मैप है ही, यू कैन फाइंड शॉर्टकट ऑल्सो। बट अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है या हमें कहाँ पहुँचना है, मान लो आप एक ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं एंड आप ऑटो रिक्शे वाले को बोलते हैं कि चलिए, अब वो पूछेगा आपको कहाँ जाना है। जब अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो वो आपको कहाँ लेकर जाएगा। ऐसे ही हमारा माइंड होता है। माइंड को जो आप कमांड दोगे, वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्लान्स देगा। सपोज़ अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो वो डॉक्टर बनने के दिन आपको सुझाव देगा, आपको आपको आइडियाज़ देगा कि आपको इन लोगों से मिलना चाहिए, ये पेपर क्लियर करना चाहिए। तो इट मीन्स इफ़ वी नो आर टारगेट, उसके अकॉर्डिंग हमारे रीज़न निकलते रहते हैं। अब क्या होता है कि जब हम अपना कुछ करियर डिसाइड करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है मनी। हमें हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहाँ मनी ज़्यादा है। तो अगर कोई हमें आके, हमारा एक फ्रेंड आके बोल देता है, अरे ये दिस प्रोफेशन इज़ गुड, यहाँ पर इतना पैकेज मिलता है, तो हमारा माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। कोई थर्ड पर्सन आकर कुछ और बताता है, तो हमारा माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो इट मीन दिस इज़ नॉट योर रियल पैशन, यू आर रनिंग आफ्टर द मनी, आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो हमें कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा पैशन है या नहीं है? सी, जब आप कोई भी करियर डिसाइड करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये तो डिसाइड कर लेते हैं। मान लो चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्या डिसाइड किया है, कैसे भी उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो हाउ शुड आई अप्लाई, राइट? बट हमें क्यों क्लियर नहीं होता, व्हाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, क्यों डॉक्टर बनना है, आप कुछ और भी तो बन सकते हो, क्यों डॉक्टर ही क्यों बनना है? तो अगर आपका वाई क्लियर है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज़ मैं एक एक्टर हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक एक्टर बनना चाहती हूँ, सपोज़ मुझे एक्टर बनना है, तो एक्टर मैंने डिसाइड कर लिया मुझे एक्टर बनना है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आई शुड डू थिएटर प्रोडक्शंस, मुझे थिएटर वर्कशॉप करनी चाहिए और एक्टिंग सीखनी चाहिए, ये तो मुझे क्लियर हो गए। लेकिन मुझे क्यों करना चाहिए, वाई थिएटर, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि मुझे ये क्लियर है कि विदाउट थिएटर आई कांट लिव, इट मेक्स मी क्राई, यू नो वॉट। जब मैं एक्चुअली बेसिकली एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम थिएटर देखा था, तो आई वॉज क्राइंग कि काश मैं उस स्टेज पर होती। तो वहाँ से वो इंस्पिरेशन मिली, वहाँ से वो पैशन डेवलप हुआ, और धीरे 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 फील हुआ कि आई कांट लिव विदाउट इट। तो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट, वॉन्ट टू बिकम, क्या मैं आई मीन पाइपलाइन। सो वाई वाई आपको क्लियर होना चाहिए कि वाई क्यों करना चाहते हो। वो इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। अगर ये आपका दिल आपको ये आंसर देता है दैट यू कांट लिव विदाउट इट एंड यू फील हैप्पी व्हेन यू आर दैट प्रोफेशन, और आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो इट मीन्स यू आर इन द राइट डायरेक्शन। सी, इन थिएटर आई डोंट गेट एनी पेमेंट, लास्ट में जब हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद जो क्लैपिंग मिलती है, उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन कुछ होती ही नहीं है। वो जो 2 महीने की हमारी रिहर्सल होती है, उससे 2 घंटे के बाद जो लोगों का रिस्पांस आता है, और वो जब आपको रिस्पॉन्ड करते हैं और बोलते हैं कि अप्रिशिएट करते हैं, तो तब लगता है कि हाँ, वो मेहनत, वो 2 महीने की मेहनत वहाँ पर वसूल हो जाती है। तो जो सेटिस्फैक्शन आई कैन बाय इट, वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू डू दिस। तो ये मुझे मेरा वाई क्लियर है। तो इट मीन्स कि अगर आप कोई प्रोफेशन चूज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों करना चाहते हो। इट मेक्स यू हैप्पी, इट मेक्स यू सेटिस्फाइड, इट मेक्स यू कंटेंटेड, इट मेक्स यू आई मीन एवरीथिंग दैट आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो इसलिए मुझे ये करना है। थैंक यू गाइज, आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।